हेलो गाइस, आपका स्वागत है फिजिक्स पीवाईक्यू फॉर नीट जेई एंड सीबीएसई में। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस क्वेश्चन में कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकेंड, वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकेंड यानी कि वॉल्यूम पर सेकेंड, ध्यान रखना भाई इसको, ऑफ ए पाइप ऑफ लेंथ एल एंड रेडियस आर इज रिटन बाय अ स्टूडेंट एज V इज इक्वल टू दिस। एक स्टूडेंट ने जो है ना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू अ पाइप ये रिलेशन लिखी, वेयर P इज द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द पाइप एंड ईटा इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड हैविंग डायमेंशनल फॉर्मूला दिस। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो आपको दिया है, चेक वेदर द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। ये चेक करना है कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। भाई ये रिलेशन दिए कि स्टूडेंट ने v इज इक्वल टू पाई बाई एट पी इंटू आर की पावर फोर अपॉन में ईटा एल। क्लियर है भाई, ये रिलेशन दिए एक स्टूडेंट ने और ये बताना है कि ये रिलेशन करेक्ट है या नहीं। देखो जब हम इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं तो आपको डायमेंशनल एनालिसिस की कौन सी एप्लीकेशन लगाते हो, फर्स्ट एप्लीकेशन, यानी कि हम डायमेंशनल एनालिसिस की वो एप्लीकेशन लगाते हैं जिसके अंदर हम क्या चेक करते हैं, कोई भी फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं। कैसे चेक करते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे और राइट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे। अगर ये डायमेंशनल फॉर्मूले इक्वल है, मतलब सेम है, तो ये रिलेशन सही हो जाती है। अगर इक्वल नहीं है, अगर इक्वल नहीं है तो ये जो डायमेंशनल फॉर्म जो इक्वेशन है ये जो है सही नहीं होती, ठीक है, ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं होती। तो हम क्या करेंगे, हम पहले लेफ्ट हैंड साइड की क्या डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम। ये जो वॉल्यूम है ये बेसिकली वॉल्यूम नहीं है, क्या है, वॉल्यूम अपॉन टाइम, वॉल्यूम अपॉन टाइम, है ना। क्वेश्चन में देखो वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकेंड, दैट मीन्स वॉल्यूम अपॉन टाइम। ये जो रिलेशन दिया वॉल्यूम अपॉन टाइम दैट इज इक्वल टू दिस, तो वॉल्यूम अपॉन टाइम है आपके लेफ्ट हैंड साइड में इस रिलेशन के। तो वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया एल क्यूब, टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला टी, तो कितना हो गया मेरे भाई, एल की पावर थ्री टी की पावर माइनस वन, लेफ्ट हैंड साइड का ये डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड के डायमेंशनल फॉर्मूले की। राइट हैंड साइड की जो इक्वेशन है वो क्या है, पाई बाई एट पी इंटू आर की पावर फोर अपॉन में ईटा इंटू एल। पाई का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, एट का भी कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। पी क्या है मेरे भाई, प्रेशर डिफरेंस। पी क्या है मेरे भाई, प्रेशर डिफरेंस। ये पाइप है, इस पाइप की जो लेंथ है ये एल है, एल ले लेते हैं मेरे भाई, और इस पाइप की जो रेडियस है ये आर है। इस पाइप से जो है लिक्विड फ्लो हो रहा है और जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसकी विस्कोसिटी है ईटा, ठीक है भाई। ये वन पॉइंट, ये टू पॉइंट, दैट मीन्स प्रेशर जो है पी टू माइनस पी वन, प्रेशर डिफरेंस है दो एंड पॉइंट के बीच में। तो प्रेशर क्या होता है मेरे भाई, ये होता है फोर्स अपॉन एरिया, ये आपने पढ़ाई है, फोर्स अपॉन में एरिया। तो हम यहां पर प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे। प्रेशर का क्या डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, पहले हम फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे। फोर्स क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस टू अपॉन में एरिया एल स्क्वायर, ठीक है मेरे भाई, ये हो गया प्रेशर। आर की पावर फोर यानी कि एल की पावर फोर अपॉन में ईटा, ईटा का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको दिया है, क्या है मेरे भाई, एम की पावर वन एल की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस वन, ठीक है मेरे भाई, ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। एल, इस एल की का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, ये एल लिख दिया, ठीक है भाई साहब। काटम पीटी करेंगे, काटम पीटी कैसे करेंगे, देखो ये एम की पावर वन ये एम की पावर वन कैंसिल हो जाते हैं, ये एल की पावर वन और ये वाली एल की पावर वन, ये माइनस वन है ये प्लस वन है तो ये कैंसिल हो जाते हैं। ये एक एल की पावर वन और ये एक एल की पावर वन कट गई, और यहां से ये पूरा एल कट गया इस पावर से, तो यहां बच गया थ्री, ठीक है मेरे भाई। यहां पर टी की पावर माइनस वन है और यहां पर टी की पावर माइनस टू है, तो ये पावर बच गई माइनस वन,
तो क्या बच गया, एल की पावर 3 अपॉन में टी की पावर -1। क्या बच गया मेरे भाई, एल की पावर 3 टी की पावर -1। तो आप देखो मेरे भाई, लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है राइट हैंड साइड के डायमेंशनल फॉर्मूले के बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला राइट हैंड साइड के डायमेंशनल फॉर्मूले के बराबर है, इक्वल है। इसका मतलब जिस स्टूडेंट ने ये रिलेशन लिखी है वी वी अपॉन में टाइम दैट इज इक्वल टू पाई बाई 8 पी आर की पावर 4 अपॉन में ईटा एल, दैट इज करेक्ट। ये डायमेंशनली करेक्ट है, क्लियर है।